ग्रीष्म ऋतुचर्या। तो ग्रीष्म ऋतुचर्या में क्या होता है, जो सूर्य ग्रीष्म ऋतु में कैसा हो जाएगा, अधिक उष्ण हो जाएगा, एक्सेसिवली वार्म हो जाएगा, ठीक है। और जो जगत का स्नेहांश होता है, मतलब स्नेह का अंश, मतलब मॉइस्चर जो होता है वो सूखता जाता है, इससे श्लेष्मा प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। क्षीण मतलब कम होती जाती है, मतलब श्लेष्मा जो मॉइस्चर है वो हर दिन कम होता जाता है। और श्लेष्मा कम होगा तो क्या बढ़ जाएगा, वात बढ़ जाएगा, क्योंकि श्लेष्मा का अपोजिट वात होता है, ठीक है। तो वात की बढ़त होती जाएगी। अतः इस काल में लवण, कटु, अम्ल, रसों का सेवन तथा व्यायाम और धूप का सेवन ना करें, ठीक है। क्यों ना करें, क्या बोलते हैं, कटु, अम्ल ये सारे और लवण रसों का सेवन और साथ में व्यायाम क्यों ना करें, क्योंकि ये सबसे वात की वृद्धि हो रही है। अब मौसम में भी वात की वृद्धि हो रही है और आप जो आहार विहार ले रहे हैं उसमें भी अगर आप वात वृद्धि वाला आहार और वात वृद्धि वाला व्यवहार करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे वात के जो डिजीजेज हैं वो हो जाएंगे आप, ठीक है। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु का में आहार, अब हमें ग्रीष्म ऋतु में आहार क्या लेना चाहिए। अभी हमने ऊपर ही देखा कि वात बढ़ाने वाले आहार नहीं लेने चाहिए, तो ये छोड़ के हमें कौन से लेने चाहिए, लघु मतलब हल्का आहार, स्निग्ध मतलब फैटी, ठीक है, और फिर हिम मतलब शीतल, और द्रव मतलब लिक्विड, ये सारे टाइप के आहारों का सेवन करना चाहिए, ठीक है। ये सारे जितने भी आहार हैं ये कफ की तरफ हमें थोड़ा सा लेके जाते हैं, श्लेष्मा की तरफ हमें लेके जाते हैं, इसलिए हमें वात को बैलेंस करने के लिए ये वाले आहार लेने चाहिए, ठीक है। इसके बाद ग्रीष्म ऋतुचर्या में भोजन उत्तर कर्म, मतलब ग्रीष्म ऋतु में भोजन के बाद उत्तर क्या कर्म करने चाहिए। शीतल जल से शरीर को आलुप्त करें, अर्थात स्नान के बाद सत्तू और शक्करा मिलाकर चाटें। मतलब सत्तू, बहुत लोगों को पता होगा सत्तू क्या होता है, सत्तू में पानी और शक्कर या कुछ लोग दूध मिला के खाते हैं, तो सत्तू और शक्कर मिला के खाना चाहिए और शीतल जल से शरीर को धोना चाहिए, मतलब ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में मद्यपान के लिए निर्देश, मद्यपान करने के लिए क्या, मतलब अल्कोहल पीने के लिए क्या निर्देश हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में मद्यपान नहीं करना चाहिए, ठीक है, और अगर करें भी तो बहुत ही अल्प मात्रा में बहुत सारा पानी मिलाकर करना चाहिए, यही इसमें दिया हुआ है। तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि मद्यपान जो होता है वो भी ड्राइनेस क्रिएट करता है आपकी बॉडी में, अल्कोहल जो होता है वो ड्राइनेस क्रिएट करता है, मतलब वात की वृद्धि करेगा, इसलिए मद्यपान नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर ग्रीष्म ऋतु में मांसरस का सेवन, तो ग्रीष्म ऋतु में मांसरस खाना चाहिए, ठीक है। तो चंद्रमा और कुकुंद नमक, ठीक है, कि पुष्प जैसे सफ़ेद शाली चावलों का जंगल प्रदेश जो होता है कि प्राणियों के मांसरस का सूप के साथ मिलाकर सेवन करना चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि चंद्र मतलब सफ़ेद जो चावल होते हैं उनमें नमक डालकर उनको पकाकर उस चावल के साथ में जांगल प्रदेश जो होते हैं, जांगल प्रदेश मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जांगल, अनूप और साधारण तीन प्रकार के देश होते हैं, तो जांगल प्रदेश के जो प्राणी होते हैं उनके मांसरस का मीट सूप यानी कि मांसरस मतलब सूप बना के सेवन करना चाहिए। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में पेय पदार्थ, पीने वाले कौन से पदार्थ हमें यूज़ करने चाहिए, ठीक है, जो अधिक गाढ़ा मांसरस ना हो उसका सेवन करें, जो ज़्यादा गाढ़ा ना हो, ठीक है, मतलब पतला मांसरस हो उसका सेवन करें, रसाला हो, ठीक है, राग, पाड़व, खाड़ या पानक नए मिट्टी के बर्तन में रखे पंचसार का सेवन करना चाहिए, इससे रस रसालादि को केले मतलब मोच बोला जाता है केले को, और नारियल मतलब चोच बोला जाता है नारियल को, के पत्तों और फलों के साथ दाढ़िम आदि का मतलब होता है कि अंगूर से अम्ल बनाकर मिट्टी के पात्र में रखकर पान करें, ठीक है। तो ये सारे जितनी भी चीज़ ये जितने भी नाम दिए हैं ना आने वाले चैप्टर्स में आपको समझ में आने वाले चैप्टर्स हैं, जो अन्न आहार आदि वाले जो चैप्टर हैं उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्या हैं। तो मतलब कुल मिला के ये सारी जो चीज़ें हैं इन सबको केले या फिर नारियल के पत्तों में मिलाकर दाढ़िम रस में के साथ मिट्टी के पात्र में पकाकर इनको खाना चाहिए, ठीक है। ऐसे जल का पान करें जो कि
पाटला पुष्पों से सुवासित हो, ऐसे जल का पान करना चाहिए, जो कि पाटला के जो पुष्प होते हैं उसके उससे उसमें रख कर, मतलब फिर उसके बाद उसको छान कर पीना चाहिए। फिर कपूर से सुगंधित हो तथा शीतल हो, कपूर से सुगंधित होने चाहिए और ठंडा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में रात्रि में भोजन, तो ग्रीष्म ऋतु में रात्रि में भोजन क्या होता है? रात्रि के समय शशांक किरण नामक भैष्य पदार्थ को, जो चांद या तारों द्वारा शीतल किए गए हों, ठीक है। रात्रि के समय शशांक किरण, शशांक मतलब जो चंद्रमा होती है, उन उनकी किरणों में रखे हुए पदार्थ जो कि चांद और तारों के द्वारा शीतल किए गए हों, नेचुरली जिनको ठंडा किया गया हो, उनको खाए हुए शक्रायुक्त, मतलब शक्रायुक्त भैंस के दूध के साथ पान करें, मतलब भैंस के दूध में शक्कर मिला के पीना चाहिए। अब भैंस का ही दूध क्यों दिया है, गाय का दूध क्यों नहीं दिया है? भैंस का दूध इसलिए दिया है क्योंकि भैंस के दूध में जो फैट होता है वो ज़्यादा होता है, और अभी हमने देखा कि ग्रीष्म ऋतु में वात की वृद्धि होती है, तो जब वात की वृद्धि हो रही है तो हमें उसके अपोजिट आहार लेना चाहिए, मतलब जिसमें फैट ज़्यादा हो ऐसा आहार लेना चाहिए, इसलिए भैंस के दूध को लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए गाय का दूध नहीं दिया है, याद रखिएगा। फिर ग्रीष्म ऋतु में शयन स्थान, ग्रीष्म ऋतु में सोना कहाँ चाहिए? तो देखिए, बहुत ऊंचे शाल और ताल के वृक्षों में जिसमें सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो गया हो, मतलब ऐसे ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हो, ठीक है, जिसकी वजह से सूर्य का जो प्रकाश हो ये नहीं आता हो, नीचे तक ना पहुँचता हो, ठीक है। अति मुक्ता लता से संयुक्त, ठीक है, माधवी मतलब जहाँ लताएं हों, द्रक्षा के गुच्छे हों, द्रक्षा का मतलब होता है अंगूर के गुच्छे हों, की शालाएं शोभित हों, ठीक है। ऐसे वनों में सूर्य संताप, ऐसे जो वन होते हैं, ऐसे जो एरियाज होते हैं, वहाँ पे सनस्ट्रोक से बचने के लिए मध्याह्न में शयन करें, मतलब दोपहर में ऐसी जगहों पे जहाँ पे धूप नहीं आती हो, ऐसी जगह में सोना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद ग्रीष्म ऋतु के लिए कक्ष विशेष, ग्रीष्म ऋतु में के लिए कैसे कक्ष होना चाहिए, कक्ष का मतलब आपका रूम कैसा होना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में जिस तृण कुटी, ठीक है, मतलब जो तृण का घर होता है, ये देखिए ये थोड़ा पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें लिखी गई थी, तो उसी हिसाब से ये दी हुई हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको मॉडर्न रेफरेंस की तरीके से यूज़ किया जा सकता है इनको, ठीक है। तो जो कि तृण कुटी होती है को सुगंधित और शीतल जल से, मतलब सुगंधित और शीतल जल उसमें से छिड़कना चाहिए, ठीक है, सिंचित करें, तथा आम के कोमल पत्ते, आम के जो पत्ते होते हैं और उसके जो फूलते हैं, अब गर्मियों में आम आता है तो अब हमें ऐसे याद रहेगा, अब हम अगर ऐसे रटने लगे हैं कि आम के पत्ते नहीं, अभी हमें पता ही है कि हम ग्रीष्म ऋतु पढ़ रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु में आम आते हैं, तो इसलिए आम के पत्तों को हमने यूज़ किया, ठीक है। तो आम के कोमल पत्तों तथा फलों के गुच्छों को चारों ओर से व्याप्त हो, मतलब ऐसे फलों के गुच्छे घर में चारों तरफ टांग दें, ठीक है, वहाँ ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न काल में को व्यतीत करें। मतलब अगर आप जो जंगल का वो दिया था इन्होंने, अगर आप यहाँ पे ऐसी जगह में जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हों यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, तो आप कहाँ पे रहना चाहिए आपको, आपका जो कक्ष, आपका जो रूम है वो कैसा होना चाहिए, उसमें पानी छिड़का हुआ होना चाहिए सुगंधित, और चारों तरफ उसमें फल और चारों तरफ कोमल पत्ते होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न चर्या, मतलब मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर में, ग्रीष्म ऋतु में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दोपहर में अथवा ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न में सूर्य की गर्मी से संतप्त व्यक्ति, मतलब जो सूर्य की गर्मी से परेशान जो व्यक्ति है, ऐसे शयन स्थल में शयन करें, ऐसी जगह शयन करना चाहिए जो केले के पत्तों, केले के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, और कलहार, मतलब संध्या काल में खिलने वाले पद्मादि, जो संध्या काल में शाम के समय जो खिलने वाले फूल होते हैं, जैसे कि हमारा मोगरा हो गया है ना, ये सब शाम के समय ज़्यादा खुशबू देते हैं, शाम के समय खिलते हैं, ठीक है। तो पद्मिनी, पद्मिनी भी एक फूल होता है जो शाम के समय खिलता है, तो ये वाले जितने भी शाम के समय खिलने वाले फूल हैं ये ठंडक में खिलते हैं, ठीक है, तो ये ठंडक देंगे, और इनके जो एरोमा होता है ये भी बहुत ही कामिंग होता है, ठीक है। और मृणाल, मतलब कमल की जो नाल होती है, कमल, ठीक है, और कमल दिन में खिलने वाले जो होते हैं, और उत्पल, मतलब उत्पल भी एक फूल है, कि कोमल पत्तों से निर्मित हों तथा जिस पर हंसते हुए फूल तथा पत्र बिछे हों, अथवा ऐसे धाराग्रह, ऐसे रूम में, मतलब ऐसे धाराग्रह मतलब जहाँ पे फाउंटेन हो, में शयन करें, जहाँ पे
तो ये सारी चीज़ें पहले क्या दी हुई हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि ये सारे पुष्प हों, मतलब यहाँ पे कुल मिला के अगर आज के फॉर्म में देखा जाए तो ये एरोमा थेरेपी है कि जब गर्मी लगती है तो अगर कोई ठंडे एरोमाज होते हैं, कुछ ऐसे एरोमाज होते हैं जो ठंडक पहुँचाते हैं, कपूर भी जिसमें से एक है, ठीक है, तो इनको सूंघे से ठंडक सी लगती है, शीतलता महसूस होती है, तो एक तरीके से एरोमा थेरेपी के बारे में बताया गया है, मतलब आज के रेफरेंस में देखे तो इन्होंने बस ये बताया कि ऐसी जगह में रहें जहाँ पर इस टाइप के सारे फूल हों, ठीक है, तो ये सारे फूल के ठंडक प्रदान करते हैं, और ये एक तरीके से एरोमाथेरेपी भी है अगर आज के रेफरेंस में इसको कनेक्ट किया जाए तो। और ऐसे रूम जहाँ पे फाउंटेन हो, फाउंटेन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे ठंडक रहेगी क्योंकि पानी की फुहार आएगी, ठीक है, बस यही है। और स्त्रियों के हाथों और मुखों और उशीर, मतलब खस जो होती है, अभी हम सबको पता है कि खस जो होती है वो ठंडी होती है, से सुगंधित जल बरस रहा हो, ठीक है। इसके बाद है ग्रीष्म ऋतु में शयन के लिए स्थान, अब ग्रीष्म ऋतु में शयन का करें, अब रात्रि के समय दिया गया है ना, तो रात्रि के समय चंद्रमा की किरणों से व्याप्त, अब सीधी सी बात है कि वहाँ पहले के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होती थी, तो चांद की जो किरणों से व्याप्त जो जगह होगी वो सबसे ठंडी होती है, आपने भी कभी देखा होगा, अगर रात में लाइट चली जाती तो आप चांद की रोशनी में बैठो तो आपको बहुत ठंडा लगता है अगर गर्मी का मौसम है तो ऐसी जगह में जहाँ ऊँचे महलों की छतों पर शयन करें, ठीक है, अगर महलों की जो छतें हैं उसमें सबसे ऊपर जहाँ पर चांद की रोशनी व्याप्त रूप से हो वहाँ पर शयन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में क्लम नाशक उपाय, ठीक है, जो क्लम होता है उसके नाशक उपाय हैं ग्रीष्म ऋतु में, देखिए, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, मतलब स्वस्थ चित्त, ठीक है, वाला व्यक्ति जिसके शरीर पर चंदन, चंदन क्या, चंदन क्यों दिया है, ठंडा करता है ना, का लेप कर रखा है, ठीक है, माला धारण किए हुए है, जो सूरत सुख से विमुख, मतलब सूरत सुख का मतलब होता है कि सुंदर चीज़ों को देख के जो खुशी होती है उससे विमुख जो व्यक्ति है ना, जिसको मतलब जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उससे कोई लगाव नहीं है, जिसने हल्के और पतले वस्त्र धारण कर रखे हैं उसके क्लम का निवारण निम्नलिखित उपाय करता है, मतलब कुल मिला के ये जो व्यक्ति है ये हमारा सात्विक चरित्र वाला व्यक्ति है, तो अगर इसको क्लम होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ताल व्रंत से, मतलब पत्रों से तथा पद्मिनी के पत्तों से निर्मित विस्तृत और जल में गीले गीले पंखों को की जल से शीतल और मंद मंद की जा रही हवा, तो ये जो पत्ते हैं जिन पत्तों का डिस्क्रिप्शन दिया है इनको पानी में डुबो के इससे हवा जो करते हैं, ठीक है, और कपूर और मल्लिका पुष्पों की गुथी हुई मालाएं, ठीक है, तो ये जो कपूर और जो मल्लिका आदि जो पुष्प हैं उनकी मालाएं जो होती हैं, मणिमुक्ता आदि हार जिसमें पीत या चंदन भी हो, ठीक है, ऐसे मनोहर कल आलाप करते हुए बालक जहाँ घूम रहे हो, ठीक है, सारिका और तोतों की मधुर आवाज़ जहाँ आ रही हो, और मृणाल मतलब कमल नाल से कंकण पहने हुए खिले कमल जैसी उज्जवल तथा इधर उधर घूमती हैं पद्मनिया के समान स्त्री कल्म को दूर कर देती हैं, ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके क्लम नाशक के उपाय दिए हुए हैं, कुछ भी नहीं है, बस जो पत्ते होते हैं उनको गीला करके हवा करना है, और जो वही एरोमाथेरेपी के लिए एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो पुष्प हैं उनकी मालाएं जहाँ हों चंदन लगाना है, ठीक है, और जहाँ पे बच्चे और स्त्रियाँ घूम रही हों इस टाइप से जो जगह है वो क्लब को हर लेते हैं, ऐसा दिया गया है, ठीक है। अब वर्षा ऋतु चल रहा है, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ भेजिए ताकि मैं ये वीडियोस कंटिन्यू रख सकूँ। थैंक यू सो मच।